कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं।
तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए
अब दूसरे के बारे बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है,
जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं।
तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया, पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी
रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है।
धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से
तमाम विषयों पर अपनी राय रखी जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है।
अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है।
फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में
कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है,
ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इससे फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इससे फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने
सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता।
तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है,
हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है।
जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि
जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया।
मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था, इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया, पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है,
इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है,
जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस। बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है।
इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है।
उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक
से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या
फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं।
तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था, इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया, पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है,
बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है,
खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस। बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती।